जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके साथ एक नई ट्रिक लेके दोस्तों हाजिर हूँ, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप। दोस्तों हमने वादा करा रखा था हमने पिछले वाले लेक्चर में, यानी जो हमने आपको मैप रीडिंग का चैप्टर बताया था बेसिक से स्टार्ट कर दिया सीरीज़, जिन्होंने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों उस सीरीज़ में यही बताया था आपको, वहाँ पर मैप तो बता दिए थे टाइप्स ऑफ मैप, लेकिन दोस्तों वो कई बार पूछ लिया जाता है तो हम याद नहीं कर पाते हैं, तो उसी पर दोस्तों हम ट्रिक लाए हैं जिसमें आपको हम याद कराएंगे मानचित्र के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मैप। तो बिल्कुल ईजिली से दोस्तों हम याद कराएंगे जो 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो अंत तक देखना। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने आपको बताई दिया हमारा क्या है टाइप्स ऑफ मैप यानी मानचित्र के प्रकार। तो दोस्तों ट्रिक है दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ट्रिक क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप के हम प्रकार देखते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज की जो हमारी ट्रिक है वो है क्या, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भूखा। क्या दोस्तों हंसी मजाक में लग रही है ना ट्रिक, तो दोस्तों उसी का हमारा एक प्लेटफॉर्म है ताकि हम अच्छे से दोस्तों आपको याद करा दें चीज़ें बिल्कुल ईजली वे में। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भूखा। एक राजा था महान, उसने उसको बड़ा आलस आ रहा था, तो उसने ना एक बुआ, उसकी दो बुआ थी, उसने एक बुआ पर भूखा। भूखा से मतलब दोस्तों ने बोला या गुस्से से बोला, तो हमने उसको वहाँ पर यूज़ कर लिया, तो क्या बन गया दोस्तों, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भूखा। तो देख लेते हैं दोस्तों इससे, एक महान राजा ने आलस पर बुआ पर भूखा, तो इससे दोस्तों जो भी टाइप्स ऑफ मैप है उनकी ट्रिक। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों महान, यानी महान राजा से दोस्तों जो महान है उसमें दोस्तों हमने जो हमारा टॉपिक है यानी मानचित्र के प्रकार है उससे दोस्तों हमने लिंक कर दिया क्या, महान। यानी आप जब भी याद करो ना मानचित्र के प्रकार यानी मान यानी महान, हाँ मैंने बताया था तो आपको ये याद रहेगा। तो महान से दोस्तों क्या हो जाएगा, मानचित्र के प्रकार, ठीक है। तो महान राजा ने, राजा ने दोस्तों हमने यूज़ कर लिया, राजा से क्या हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र यानी जो दोस्तों पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। राजा ने दोस्तों क्या हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है ना। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगला है दोस्तों महान राजा ने आलस, आलस में दोस्तों जो आल है उसको हमने अलग कर लिया, आल और सा को। तो दोस्तों आलस में जो आल है उससे दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्थिक मानचित्र। क्या दोस्तों, आर्थिक मानचित्र, ये भी उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आलस में दोस्तों जो सा था, आलस में दोस्तों जो सा था उससे क्या हो जाएगा, सांख्यिकी मानचित्र। क्या दोस्तों, सांख्यिकी मानचित्र। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं कराया, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने तीन बात कर ली है ना, राजा ने आलस से, तो ठीक है ना, आलस से। अगला है दोस्तों आलस से, तो दोस्तों आलस से में से क्या हो जाएगा दोस्तों, सैनिक। क्या दोस्तों, से क्या हो जाएगा, सैनिक मानचित्र, ठीक है। क्या, सैनिक मानचित्र, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, तो आइए देखते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों महान राजा ने आलस से एक, एक से क्या हो जाएगा दोस्तों, हम एक से क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक मानचित्र। क्या दोस्तों, एक से क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक मानचित्र। जितने वर्ड दोस्तों उतने ही शब्द आपके काम के लिए हैं, ठीक है ना। एक से क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक मानचित्र। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आगे से, यानी महान राजा ने आलस से एक बुआ पर, बुआ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, साउंड हो रहा है बू यानी भू, बू यानी भू, भूआ आकृति यानी भू आकृति। आपको बताया था मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में वेपन ट्रेनिंग में, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, और दोस्तों ये ट्रिक है तो आपको यूजबल होगा ही, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं महान राजा ने आलस से एक बुआ पर, बुआ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, भू आकृति। तो ध्यान रखना 6 होगा, ये पूछे 5 आते हैं, लेकिन आपको याद करने हैं ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे पढ़ाने से आपको यहाँ पर याद भी होते रहेंगे तुरंत, तो एक बार रिवाइज और कर लेना। तो बुआ से क्या हो जाएगा दोस्तों, भू आकृति मानचित्र, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भूखा, भूखा से क्या हो जाएगा दोस्तों, साउंड वाला ना भो यानी भूगो, भौगोलिक मानचित्र। क्या दोस्तों, भौगोलिक मानचित्र। तो दोस्तों यही 7 मानचित्र तो मैंने आपको इजीली वे में बता दिए, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भूखा, महान से दोस्तों मानचित्र, है ना। क्या दोस्तों, महान से क्या हो जाएगा, मानचित्र। राजा ने दोस्तों क्या हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। अगला है दोस्तों आल, आल से क्या हो जाएगा, आर्थिक मानचित्र, जो मैंने आपको बता दिया। सा से क्या हो जाएगा दोस्तों, सांख्यिकी मानचित्र।
ओके से क्या हो जाएगा दोस्तों, सैनिक मानचित्र, ध्यान रखना से ध्यान रखना, सा अलग मत कर देना सांख्यिकी, सा में दोस्तों कोई वो नहीं था ना, सिंपल था सा, और इसमें से क्या हो जाएगा सांख्यिक मानचित्र। आगे बात करें तो एक से क्या हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक मानचित्र, ठीक है आइए आगे देखते हैं। अगला बात करें तो दोस्तों भुआ पर, भुआ पर क्या हो जाएगा भू आकृतिक मानचित्र, और दोस्तों अगला है भोका, भोका से क्या हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक मानचित्र, क्या दोस्तों भुआ से क्या हो जाएगा भौगोलिक भू आकृति मानचित्र, और भोका से क्या हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक मानचित्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ बताया है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अंत तक वीडियो देखी भी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूले, ताकि जो भी हम वीडियो आपको अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।